समस्या बनती जा रही है। इसकी वानगी पिछले कई भर्तियों में परीक्षाओं में देखने को मिली है, जहां पर एक एक पद पर सैकड़ों अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई पटवारी भर्ती परीक्षा में बंपर आवेदन बेरोजगारों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट से आप समझिए। राजस्थान में पटवारी सीधी भर्ती 2019 में बंपर आवेदन प्रदेश में बेरोजगारी का आलम बयां करते हैं। 4421 पदों पर निकली इस भर्ती में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस बार 13,49,331 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा आवेदन ओबीसी वर्ग से 6,11,179 प्राप्त हुए हैं, तो एससी वर्ग में 2,14,517 और एसटी वर्ग में 1,98,425 आवेदन बोर्ड को मिले हैं। मतलब हर एक सीट के लिए 305 बेरोजगारों के बीच मुकाबला होगा। पटवारी भर्ती 2018 में 13.5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में दर्जनों भर भर्तियां लंबित हैं। यदि समय पे वो भर्ती हो पाती तो एक अभ्यर्थी को 10 जगह आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक नौकरी 300 आवेदन। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में बंपर आवेदन 4421 पदों के लिए 13,49,321 आवेदन। सूचना के अधिकार के तहत आरएसएसबी ने जानकारी दी, विभिन्न वर्गों में कुल 13,49,321 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सामान्य वर्ग में 1,32,574 आवेदन आए, ईडब्ल्यूएस के 1,34,991, एमबीसी के 56,315 आवेदन आए हैं, ओबीसी के 6,11,179 आवेदन प्राप्त हुए हैं, एससी 2,14,517, एसटी 1,98,425 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शहरी ट्राइब वर्ग में बोर्ड को 320 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हर सीट के लिए 305 बेरोजगारों के बीच होगा मुकाबला। समय पर भर्तियों का ना होना और भर्तियों का कोर्ट में लंबित हो जाना बढ़ते आवेदनों के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। लंबित भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने से चयनित अभ्यर्थी दूसरी भर्तियों में किस्मत आजमाने लगे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव कहते हैं कि सरकार वक्त पर भर्तियों को पूरा करने को लेकर संवेदनशील है, लेकिन मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते वक्त पर भर्तियों की प्रक्रिया पूरी न होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से मांग करते हैं कि भर्तियां समय पे हो और जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, जिससे बेरोजगारों का आर्थिक भार नहीं आए। बहरहाल 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आई पटवारी सीधी भर्ती में बोर्ड को बंपर आवेदन मिले हैं। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन बोर्ड के लिए जहां एक बड़ी चुनौती है, तो हर सीट के लिए 305 बेरोजगारों के बीच मुकाबला और ज्यादा कड़ा होगा। बेरोजगारों के लिए ये मुकाबला किसी युद्ध जीतने से कम नहीं होगा। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। जो भर्तियां हैं उनके कानूनी पचड़े में पड़ने की वजह से भी जो भर्तियां हैं उनमें आवेदन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही के चलते लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही बेरोजगारों की समस्याएं भी। जयपुर से ललित वर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। टोंक जिले में विद्युत विभाग ने लापरवाही की सारी